हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 2 इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको इतना बेहतर तरीका से बताऊंगा कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप वीडियो को एकदम अंत तक देखें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आप गारंटीड इसको समझ पाएंगे और भूलना भी चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। जैसे देखो, क्वेश्चन क्या है, हमने पहले नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये उसी का एक नेक्स्ट वेरिएशन है। इसमें क्या है कि हमारा जो एरे है वो सर्कुलर एरे है। मतलब क्या कि हमें क्या करना है, जो भी एरे का एलिमेंट है उसके राइट हैंड साइड में जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा उसको रिटर्न करना है। और जब आप लास्ट के पास जाओगे तो इसके राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके बाद आप फिर से फर्स्ट एलिमेंट पर आ जाओगे और फिर यहाँ से चेक करोगे। मतलब क्या, ये हमारा सर्कुलर एरे का कंसेप्ट है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा समझाता हूँ और फिर बताता हूँ कैसे चीज़ें काम कर रही हैं और कैसे आप इसको काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या दिया है, सर्कुलर एरे दिया है, सॉरी एरर नहीं एरे। तो मैं क्या करूँगा, पहले आप ध्यान समझो, मैं नॉर्मल एरे का बताता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल एरे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करो, तो वन के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो आप बोलो सर वन का जो नेक्स्ट ग्रेटर है वो टू है, तो आप यहाँ टू लिख दोगे। फिर जाओगे टू के पास, टू का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, तो टू के नेक्स्ट में कोई भी इसका ग्रेटर नहीं है, इधर कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इससे ग्रेटर हो, तो क्या हो जाएगा, -1। फिर जाओगे आप वन के पास, तो वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे सर इसके राइट में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, समझिए इसका, समझो जैसे 1 2 3 4 3, वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सर टू है। टू का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे सर थ्री है। थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, फोर है। फोर का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, कोई भी ग्रेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -1। थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, कोई भी नहीं होगा, -1। ये हमारा हो गया नॉर्मल एरे। अब यही एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ सर्कुलर एरे में। अब देखो क्या होगा, ध्यान समझो, अब ध्यान से समझो क्योंकि अब बारी आ गया है समझने का। ये हमारा हो गया नॉर्मल एरे। अगर नॉर्मल एरे रहेगा तो ये हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 3। लेकिन क्वेश्चन में भी क्या कहा है, सर्कुलर एरे। ये सर्कुलर, वन का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, टू है। टू का क्या है, थ्री। थ्री का क्या है, फोर। फोर का क्या है, देखो जैसे ही आप फोर पर जाओगे तो देखोगे कि फोर का ग्रेटर यहाँ थ्री है, लेकिन थ्री ग्रेटर नहीं है, तो आप क्या करोगे, थ्री के बाद आप फिर से इधर से चेक करना शुरू करोगे, क्या फोर का नेक्स्ट ग्रेटर थ्री है, नहीं है। क्या फोर का नेक्स्ट ग्रेटर वन है, नहीं है। क्या फोर का नेक्स्ट ग्रेटर टू है, नहीं है। क्या फोर का नेक्स्ट ग्रेटर थ्री है, नहीं है, तो फिर क्या करोगे, आप -1 असाइन करते हुए। तो फिर आप जाओगे थ्री के पास, थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, नॉर्मल एरे में तो कोई नहीं है, तो -1 कर दिया। लेकिन जब थ्री के पास आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि आप थ्री के बाद फिर वन पर जा सकते हो, तो थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, वन है, नहीं है। टू है, नहीं है। थ्री है, नहीं है। फोर है, हाँ। तो थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा, फोर। तो इस केस में आपको ए आउटपुट को रिटर्न करना है, 2 3 4 -1 4, 2 3 4 -1 4। और पहला वाला जो केस था, जो नॉर्मल एरे था, जो सर्कुलर एरे नहीं था, तो उस केस में आपको ए आउटपुट रिटर्न करना था, राइट। तो अब कैसे बनेगा, सवाल था कि यार अगर सिर्फ नॉर्मल एरे रहता था तो मैं क्या करता था, बस कुछ नहीं करता था, स्टैक का यूज करता था या फिर डबल एरे का यूज करता था, डबल लूप का। मैं क्या करता था, एक एलिमेंट को पकड़ता था और फिर इसके राइट में चेक करता था कि सबसे पहले बड़ा एलिमेंट कौन मिला है इससे, तो मैं इसको असाइन करता था। फिर मैं यहाँ आता था तो फिर इसके राइट में मैं चेक करता था, राइट। तो ऐसे ही जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था वो ओवर एन स्क्वायर हो जाता था। लेकिन अभी मैं कैसे करूँ, अभी मुझे फोर के बाद, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है, इसके बाद मुझे फिर से शुरू पर जाना है, तो ये कैसे करूँगा सर। तो चलिए इसको समझते हैं। तो कैसे होगा, जैसे देखो 1 2 3 4 3। अब ध्यान समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि थ्री के बाद मुझे फिर से 1 2 3 4 यहाँ जाना है, मतलब थ्री के बाद जैसे मैं थ्री के पास जाऊँगा या फिर फोर का मैं ग्रेटर खोजूंगा तो इधर नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना है, फिर से इसके क्या करना है, इसके शुरू से आ जाना है। शुरू से आ जाना है मतलब क्या, इसी एलिमेंट को मैं फिर से ट्रैवर्स कर रहा हूँ, 1 2 3 4 3 को मैं ट्रैवर्स कर लिया हूँ, और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को ट्रैवर्स करना पड़ा। तो जब भी सर्कुलर एरे आता है, सर्कुलर एरे, तो मैं क्या करूंगा, देखो 1 2 3 4 3, और फिर से इसी को एक बार और लिख दूंगा, 1 2 3 4 3। ध्यान समझो, हमने क्या किया है,
जो भी हमारे पास एरे दिया है, जो भी हमारे पास एरे दिया है, हमें पता है कि सर्कुलर एरे में वही एरे फिर से आता है, मतलब थ्री के बाद हमारा वन आ रहा है, थ्री के बाद वन आ रहा है, तो थ्री के बाद देखो यहाँ वन टू थ्री फिर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास एरे दिया रहेगा उसी को, उसी एरे में उसी को ऐड कर दूंगा। जैसे वन टू थ्री फोर थ्री है, तो इसी में वन टू थ्री फोर को इसके पीछे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अपन निकाल लेते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो उसका नेक्स्ट ग्रेटर आप निकालना शुरू कर देंगे। मैं यहाँ से निकालूंगा, थ्री का नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस वन। फोर का क्या है, कुछ नहीं है, तो माइनस वन। थ्री का क्या है, फोर। टू का क्या है, थ्री। वन का क्या है, टू। थ्री का क्या है, यहाँ फोर है। फोर का क्या है, कुछ नहीं, तो माइनस वन। थ्री का क्या है, फोर। टू का क्या है, थ्री। वन का क्या है, टू। तो मैं क्या करूँगा, उसी एरे को उसी में ऐड कर दूंगा और सबका मैं ग्रेटर एलिमेंट निकाल दूंगा। और शुरू से जैसे एन इक्वल टू अगर फाइव है, अगर इसमें पाँच एलिमेंट है, पाँच एलिमेंट, तो मैं शुरू से क्या करूंगा, पांच एलिमेंट को पकड़ूंगा और रिटर्न कर दूंगा। तो टू थ्री फोर माइनस वन फोर, हमारा आंसर नहीं आ गया। यस, आ गया आंसर, हमारा आ गया। तो देखो पहले आप कैसे, आपको सोचना है, कैसे सोचना है कि सर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जो भी हमारे पास एरे दिया गया है इसी एरे में इसी को ऐड कर दूंगा इसके लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ऐड कर दिया तो क्या हुआ, हमारा सर्कुलर का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि थ्री के बाद हमारा वन टू थ्री फोर आने वाला था, तो थ्री के बाद फिर जैसे मैं ऐड किया हूं तो वन टू थ्री फोर थ्री नहीं आ गया है, आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, जैसे अपन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालते थे वैसे सबका निकाल लूंगा, सबका निकाल लूंगा, सबका मैं निकाल लूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, चूंकि मुझे नम्स का सिर्फ चाहिए जिसका लेंथ फाइव है, तो मैं शुरू से लेकर फाइव तक क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा शुरू से लेकर फाइव तक। तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन देखो जो आप काम यहाँ ऐड करके किए हो, आपने फिर से इसको ऐड किया है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्चुअली ऐड करेंगे, मतलब क्या, आंसर में या फिर जो प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें इसको फिजिकली रूप से ऐड होता आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इंडेक्स वैल्यू मैं ले लूंगा, ऐड हुआ रहेगा। कैसे हुआ, अब ध्यान समझो, ध्यान समझो कैसे हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आई जो है, आई आई आपको पहले कहाँ तक है, जैसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और क्या नाइन, आई आपका फोर तक है। इस एरे का ओरिजिनल एरे का आपका आई कितना है, फोर। जो आई आप पहले यहाँ शुरू कर रहे थे लेकिन आपको वर्चुअली ऐड कर देना, तो इंडेक्स वैल्यू से कहाँ जाएगा लास्ट वाला, नाइन। आई से शुरू होगा टू एन, टू एन, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन से, तो टू इंटू फाइव माइनस वन, एन टेन माइनस वन मतलब नाइन से, नाइन से शुरू होगा, लेकिन आप इसको वर्चुअली ऐड नहीं किए रहोगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, ध्यान समझो, मैं क्या करूँगा, जैसे हमारे पास कोई अगर वन टू थ्री फोर थ्री, वन टू थ्री फोर थ्री, ये हमारे पास है, मैं क्या करूँगा, पहले से साइन निकाल लूंगा, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फाइव आ गया, ठीक है सर, समझ गया, एन हमारा फाइव आ गया। देखो एन हमने निकाल लिया, अब मैं क्या करूँगा, एक स्टैक रख लूँगा, स्टैक, तो मैं एक बार स्टैक यहाँ रख लेता हूँ। हमने क्या किया, एक स्टैक हमने यहाँ रख लिया, स्टैक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक आंसर रख लूँगा, आंसर, तो मैंने एक यहाँ आंसर रख लिया जो एन साइज का होगा, आंसर रख लिया, ठीक है। अब मैं देखो क्या करूँगा, अब ध्यान समझना, मैं आई इज इक्वल टू टू एन माइनस वन शुरू करूँगा, मतलब ये हमारा जीरो है, फिर वन टू थ्री फोर, और चूंकि मैं वर्चुअली इसको ऐड कर रहा हूँ तो वन टू थ्री फोर थ्री फिर से चलाएगा, तो ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओरिजिनल एलिमेंट हमारा ए है। मैं इसको क्या करता हूँ, बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि ये हमारा क्या है, एरे है। मैंने इसको क्या किया, एरे बना दिया, ठीक है, ये हमारा इंडेक्स वैल्यू था, ठीक है। अब आई इक्वल टू मैं यहाँ शुरू करूँगा, मैं क्या करता हूँ, पहले रिजल्ट लेता हूँ। मैं लास्ट से शुरू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है उसको मैं राइट से इसलिए शुरू करता हूँ कि थ्री के ग्रेटर में कौन है, थ्री के राइट में ग्रेटर कोई नहीं है, फोर के राइट में कौन है, तो मैं सिर्फ जो भी ग्रेटर होगा उससे कंपेयर कर लूंगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तो वन के लिए मुझे सबको चेक करना पड़ेगा, फिर टू के लिए मुझे इसके राइट में सबको चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसीलिए यहाँ से शुरू कर दूंगा, राइट। तो मैं आई का वैल्यू ले लेता हूँ कहाँ से, नाइन। मैं लास्ट से चेक करूंगा, मैं आई का वैल्यू लास्ट से चेक करूंगा, लास्ट से, लेकिन मैं आंसर में स्टोर करूंगा कहाँ से कहाँ तक, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो ध्यान से, मैं सबको ट्रैवर्स करूंगा, सबको ट्रैवर्स करूंगा, लेकिन आंसर मुझे चाहिए फाइव साइज का, फाइव साइज का, क्योंकि मेरे पास वन टू थ्री फोर थ्री इतना ही एलिमेंट है, तो आंसर में मैं बस इतना ही एलिमेंट का जो ग्रेटर है उसको स्टोर करूंगा, राइट। अब देखो
अब मैं क्या करूंगा, आई इक्वल टू हमारा 9 हो गया, आई इक्वल टू हमारा 9 हो गया, ठीक है। अब स्टैक जब तक इम्प्टी नहीं है, नॉट इम्प्टी, लेकिन ये तो इम्प्टी है, ये तो इम्प्टी है। और फिर मैं चेक करूंगा क्या जो आई है आई लेस देन एन है, मतलब क्या हमें आंसर में तभी स्टोर करना है जब आई जो हो लेस देन एन हो, एन का मतलब 5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब वैल्यू रहेगा तभी मुझे आंसर में स्टोर करना है, तो भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, आंसर में पुश कर दूंगा इस एलिमेंट को। इस एलिमेंट को कैसे पुश करूँगा, कैसे पुश करूँगा, आपको पता है कि जो नम्स है, नम्स ऑफ आई का वैल्यू कितना है, 9, 9 मॉडुलस 5, मतलब क्या 4, नम्स ऑफ 4। तो नम्स ऑफ 4 क्या है, नम्स ऑफ 4 हमारे पास क्या है, 3। तो 3 को मैं आंसर में स्टैक में कर दूंगा पुश, पुश कर दिया, ठीक है, पुश कर दिया। जैसे पुश किया तब आई माइनस माइनस, तो आई का वैल्यू हो जाएगा कितना, अब आई का वैल्यू 8 हो जाएगा, 8, आई का वैल्यू 8 हो गया। फिर मैं चेक करूंगा क्या जो स्टैक इम्प्टी है हमारा, नहीं स्टैक तो इम्प्टी नहीं है, स्टैक नहीं इम्प्टी है, और स्टैक का जो टॉप है मतलब 3, क्या वो लेस देन है नम्स ऑफ आई मॉडुलस एन, मतलब 4 से वो लेस देन है, हाँ लेस देन है, तो इसको रिमूव करो, क्योंकि 4 के ग्रेटर में हमारा 3 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा स्टैक का टॉप है जो 3 है वही लेस देन है 4 से, तो 4 के जो राइट में 3 तो नहीं हो सकता है जो 4 से ग्रेटर हो, राइट। तो इस केस में क्या करो, इसको कर दो पॉप, ये हमारा पॉप हो गया, ठीक है। फिर चेक करो क्या जो आई है लेस देन एन के, ना नहीं है, तो फिर क्या करो, एच डॉट पुश नॉम्स ऑफ आई, मतलब 4 को स्टैक में डाल दो, 4 को स्टैक में हमने डाल दिया। फिर क्या करो, आई माइनस माइनस, तो आई का वैल्यू आ गया यहाँ, और आई का वैल्यू यहाँ अपडेट हो गया 7। अब चेक करो, अब चेक करो क्या कि जो स्टैक का टॉप है 4 वो इस 3 से लेस है, नहीं, जो स्टैक का टॉप है लेस नहीं है, जब लेस नहीं है तो क्या करो, 3 को भी स्टैक के अंदर डाल दो, क्योंकि ये कंडीशन तो अभी फुलफिल होगा ही नहीं, अभी आई का वैल्यू 7 है, तो 3 को इसमें आपने डाल दिया, आई का वैल्यू फिर से घट जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 6, आई का वैल्यू 6 हो गया। अब चेक करो क्या जो 2 है, 2 मतलब जो स्टैक का टॉप है, टॉप जो 3 है वो लेस देन है 2 से नम्स ऑफ आई मॉडुलस एन, क्या जो स्टैक का टॉप है वो लेस देन है, ना नहीं है, नहीं तो क्या करो, 2 को इसमें डाल दो, डाल दो, और इसमें आपने 2 को डाल दिया, और फिर क्या करना है, इसको रिड्यूस करके कर देना है 5, आई का वैल्यू हो गया 5। अब फिर चेक करो क्या जो 1 है 1, जो 2 है 2, जो स्टैक का टॉप है 2, ये क्या 1 से कम है, नहीं है, तो 1 को इसमें डाल दो, और आई का वैल्यू घटा के ऊपर दो 4, आई का वैल्यू हो गया 4। अब देखो, अब यहाँ से समझने की बात है, यहाँ से समझने की बात है, यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से क्या समझना है, अब ध्यान सुनो। अब फिर चेक करना है, अब आई का वैल्यू कितना हो गया 4, वाइल स्टैक नॉट इंगल टू इम्प्टी, और स्टैक का जो टॉप है, स्टैक का जो टॉप कितना है 1, क्या लेस देन है नम्स ऑफ आई मॉडुलस एन, आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 4, 4 मॉडुलस एन, एन का वैल्यू कितना है 5, मतलब 4, जो स्टैक का 4 है, 4, 4 पर कितना है 3, 3, क्या जो स्टैक का टॉप है मतलब 1 वो लेस देन है 3 से, हाँ लेस देन है, तो क्या करो, जब तक लेस देन है इक्वल टू इसको रिमूव करते जाओ, जब तक लेस देन है और इक्वल टू है तो रिमूव करते जाओ, ए भी लेस देन है इसको रिमूव करो, ए भी लेस देन इक्वल टू रिमूव करो, लेस देन इक्वल टू रिमूव करो, ये हमारा लेस देन इक्वल टू नहीं, एक ग्रेटर है, तो क्या करो इस केस में, अब आई जो लेस देन एन है तो इस केस में क्या करो, आंसर में स्टैक का टॉप, स्टैक का टॉप क्या है 4, स्टैक का टॉप क्या है 4, तो 4 को आंसर में यहाँ रख दो, स्टैक को आंसर में आपने यहाँ रख दिया, स्टैक को आंसर में रख दिया, और फिर से आप क्या किए, आपने आपने क्या किया, फिर से आपने क्या किया, जो नम्स ऑफ आई मॉडुलस एन, आई का वैल्यू कितना है, अब 3 को आप क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, 4 को तो हमने रख ही दिया है, 4 को मैं रख दिया है, मैं यहाँ 4 भी लिख दूंगा, फिर से मैं यहाँ 4 को रख दिया, और फिर से 3 को आपने इसमें रख दिया है, ठीक, आपने 3 को इसमें रख दिया, ठीक है सर, समझ गया। अब देखो, अब फिर हमारा आई का वैल्यू अब रिड्यूस हो जाएगा, अब आई का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया 3, आई का वैल्यू हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब जो स्टैक का जो टॉप है 3, क्या वो लेस देन है, क्या जो लेस देन है नम्स ऑफ आई 4 से, हाँ 4 से लेस देन है, 4 से लेस देन, क्या करो, तो इसको रिमूव करो, स्टैक डॉट पॉप, इसको रिमूव करो, मतलब 4 के ग्रेटर में 3 तो नहीं होगा, तो इसको रिमूव कर दो, क्या जो 4 है लेस देन है 4 के, हाँ इसके, हाँ इससे भी, तो इसको रिमूव करो, और लास्ट में क्या करो, अब देखो क्या जो स्टैक का टॉप है, जो स्टैक इम्प्टी है, अगर स्टैक इम्प्टी है तो आंसर में क्या करो, अगर स्टैक इम्प्टी है तो आंसर में -1 डालना है, तो आंसर में -1 डाल दो, राइट। और फिर क्या करो, जैसे आप इसे बाहर निकलोगे तो स्टैक में आपको इस एलिमेंट को पुश कर देना है, तो आपको क्या करना है, स्टैक में इस एलिमेंट को कर देना है पुश, मतलब 4 को आप फिर से, इस 4 को आपने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। फिर आप आई का वैल्यू होगा 3,
आई वैल्यू टू हो जाएगा, आई वैल्यू टू। फिर आप चेक करो क्या जो स्टैक का टॉप है फोर वो थ्री से ग्रेटर है, क्या जो स्टैक का वैल्यू फोर है, फोर सॉरी वो थ्री से लेस देन है, नहीं लेस देन तो नहीं है, लेस देन नहीं है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे स्टैक का जो टॉप है उसको आंसर में इसमें डाल दोगे, राइट। तो आपने क्या किया इसको आंसर में डाल दिया, जैसे आप आंसर में डाले आप क्या करना है, आपको फिर से बैग जाना है, आपको फिर से बैग जाना है, अब चेक करना, अब चेक करना, और उससे पहले आप क्या करना है इस थ्री को इसमें डाल देना है। फिर चेक करें क्या जो टू है टू वो इस थ्री से ग्रेटर है, नहीं, क्या जो थ्री है वो टू से लेस है, ना नहीं है। जब टू से लेस नहीं है तो क्या करना है, स्टैक का जो टॉप है स्टैक का टॉप उसको तो आंसर में डालना ही है, और साथ ही साथ टू को स्टैक में डाल देना है, टू को अपने स्टैक में डाल दिया। फिर आप पीछे गए, पीछे गए स्टैक, अब आई का वैल्यू हो गया जीरो। अब चेक करोगे आपने टू को भी डाल दिया, क्या जो स्टैक का टॉप है टू टू वो लेस देन इक्वल टू है वन के, ना नहीं है। तो क्या करना है, क्या करना है, टू को बाहर निकालना है और इसमें डाल देना है, और वन को इसमें डाल देना है, और लास्ट में जो हमारा आंसर बच गया अभी तो माइनस कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, कोई भी इंडेक्स है ही नहीं, तो इसको क्या करना है रिवर्स, तो टू थ्री फोर माइनस वन फोर, इसको रिवर्स कर देना है, रैंक जो चाहिए टू थ्री फोर माइनस वन फोर, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर माइनस वन फोर, तो वही तुम्हें चाहिए। तो आई थिंक आपको ये मिल गया और आपको समझ में आ गया। आपको देखो क्या करना है, आपको फिजिकली ये सारा सारा एरे को अपेंड नहीं करना है, बस इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ शुरू करना है, बस आप क्या करना है इंडेक्स वैल्यू यहाँ शुरू करना है, और आंसर में आपको तभी स्टोर करना है जब आई लेस देन एन हो, क्योंकि आंसर में मुझे यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ चाहिए, आंसर मुझे कहाँ तक चाहिए, आई लेस देन एन, आई लेस देन एन, एक मिनट में क्या करता हूँ मार्कर चेंज करता हूँ, फोर तक ही चाहिए आंसर में आपको, यहाँ तक ही चाहिए। तो जब ए कंडीशन ट्रू हो तब तो आपको आंसर में रखना है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज द कोड, एंड जस्ट इन केस यू डिड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं क्या करता हूँ आप वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ इसका टाइम कम्प्लीसिटी। जब आप इसकी टाइम कम्प्लीसिटी की बात करेंगे तो देखो आपको यहाँ टू एन लग रहा है ट्रावर्स करने में, तो ओ एफ टू एन हो जाएगा, ओ एफ टू एन, लेकिन वर्स्ट के सिनारी में ओ एफ एन ही माना जाएगा, और स्पेस भी आप यूज कर रहे हैं ओ एफ एन का, तो ये आपका हो गया। तो चलिए मैं क्या करता हूँ आपको जावा का भी सोल्यूशन दिखा देता हूँ, ये हमारा जावा का सोल्यूशन है, सेम टू सेम वही है, इसमें भी हमने कुछ तीर नहीं मारा, सेम टू सेम वही कोड है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए मैं आपको कोड अपलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको डी से काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है एक नोट्स के थ्रू, तो आप इस लिंक पर जाकर ले सकते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप जीएफजी के किसी भी कोर्स को, डीएसए डेवलपमेंट किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर जाकर अगर आप त्रिलोगी 10 कूपन कोड यूज़ कर दिए तो आपको 15% का इंस्टेंट डिस्काउंट तो उसी समय देखने को मिल जाएगा, और आपको दोनों का दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, अभी आपको जाऊँगा अपने लीड कोड में, और ये हमारा C++ का कोड है जो मैंने आपको बताया, सेम से वही कोड है, मैं सिंपली कर दूंगा सबमिट पर क्लिक। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि आई मॉडुलस में एन क्यों कर रहा हूँ, आई मॉडुलस एन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सर्कुलर एरे का कॉन्सेप्ट रखना है ना, तो फोर के बाद मुझे फिर से जीरो पर जाना है, राइट, फिर जीरो वन टू थ्री फोर, फिर उसके बाद जीरो पर जाना है, राइट। तो इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। अब मैं क्या करूँगा जावा कोड दिखाऊंगा, तो ये हमारा जावा कोड है, मैं सिंपली इसको भी सबमिट पर कर दूंगा क्लिक। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि भैया यार समझ में नहीं आया, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, नए नए चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं लाइक, और दोस्तों में शेयर करो यार। तो चलिए अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।